माइक करो, माइक करो, चल चल। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम स्माइल दीप है और जो अमृतसर के रहने वाले हैं, इनकी गवाही बहुत बड़ी है और हम इनकी गवाही को सुनेंगे। और सुनो सुनो, क्या नाम है इसका? स्माइल दीप। क्या नाम बोला? स्माइल दीप। स्माइल दीप, हाँ, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, स्माइल दीप। तो परमेश्वर बरकत दे। और इन्होंने लिखाया कि 3 साल से दुष्ट आत्मा इनको परेशान कर रही थी, और दुष्ट आत्मा इनके जीवन में दिन में 1 या 2 बार अटैक करती थी। और दुष्ट आत्मा का जब भी अटैक होता था तो ये बहुत चिल्लाती थी, और दुष्ट आत्मा के कारण ही इन्होंने कई कुछ बाबे सियाने जैसे होते हैं उनके पास गए और उनको इन्होंने 20,000 रुपया दिया। क्या दिया? 20,000 रुपया भी दिया। पर वो पैसे देने से भी ये दुष्ट आत्मा गई नहीं, और इस दुष्ट आत्मा ने इस बच्ची की बुद्धि को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था, और उसे किसी भी बात की समझ नहीं आती थी। तो बच्ची पढ़ती है, हा? कौन सी क्लास में है? हा? ये थोड़ा नीचे कर लेना, कोई बात नहीं, +1 से ये स्विच ऑन करो, +1 में हो। ये 3 साल आपको पहले ये प्रॉब्लम हुई है? हाँ जी। और जब स्कूल जाते थे तो कुछ भी समझ नहीं आता था? स्कूल समझ आता था, पढ़ाई भी समझ आती थी, हाँ, लेकिन जो कुछ भी होता था वो समझ नहीं आता था। अच्छा, जो कुछ भी मेरे साथ जो भी हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से चोट लगी है, कुछ भी समझ नहीं आता था, याद नहीं रहता था। अच्छा, याद नहीं रहता। हाँ, नहीं, क्या होता था जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर आता था? तभी मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता था, नहीं। उसके बाद क्या चोट लग जाती थी? हाँ, 1-2 बार चोट भी लगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कहाँ से लगी है। अच्छा, ऐसे होता था। हाँ, और क्या होता था? और मुझे जो भी पहले बोलते थे वो समझ नहीं आता था। इन्होंने मुझे कहना, मैंने तुम्हें ये कहा, तुमने मुझे ये जवाब दिया, लेकिन मैंने कहना कि मुझे पता ही नहीं है मैंने आपको क्या कहा। घर वाले कुछ भी आपको बताते थे, हाँ? कोई भी चीज तो आप भूल जाते थे, हाँ? हाँ, याद नहीं रहता था। हाँ, ठीक है। और उसके बाद, हाँ, आप लिखा कि आपको गुड न्यूज मिली और आप इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में आए, और जब आए तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर प्रकट होगी, हाँ? तो उस सीन को हम पहले देखेंगे कि जब ये बेटी यहां पे आई और जब दुष्ट आत्मा जो इसके ऊपर बार बार अटैक करती थी इसके घर में, तो यहां पे भी जब आए, हाँ, बहुत से अपने सुना कि ये सियाने बाबू के पास भी गए और 20,000 भी दिया, तब भी वो गई, दुष्ट आत्मा गई नहीं। पर जब ये इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में आई, तब भी ये दुष्ट आत्मा आई इसके ऊपर। उस सीन को सबसे पहले हम देखेंगे जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आई। दिखाना जी, बारी सिंबोरी सिखारा बाबा, चल अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा, निकल इस बच्ची के जीवन की सोचों से, चल चल खरा बाबा, चलो खुट चलो खुट चलो खुट चल चल यीशु के नाम से, चल आजा बार, चल निकल इसकी बॉडी से, चल 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 चल, निकल 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 निकल, चल यीशु के नाम से, चल चल यीशु के नाम से, चल पूरी तरह से, पूरी तरह से छोड़ इसकी बॉडी को, चल खोल मुंह, क्या नाम है तेरा, बोल, चल बोल 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 बोल, चल ओ शैतान, चल बोल क्या नाम है तेरा, हैं, गूंगी है, हैं, चल फिर
इधर देख तेरे सामने कौन है, देख इधर, सीधा करो इसे, सीधा करो, सीधा करो उसकी, उसका सही से दुपट्टा करो। चलो चलो आज, आज परमेश्वर तुझे आजाद करने वाला, चंगा करने वाला है। चल आज तू बच्ची फ्री है यीशु के नाम से। चल चल खड़ी हो, चल खड़ी हो, खड़ी हो, चल खड़ी हो यीशु के नाम से। आज से खुदा तुझे चंगा कर चुका है। चल चल पूरी तरह से शैतान, चल पूरी तरह से इसकी बॉडी से तेरे असर को मैं खत्म करता हूं शैतान। चल चल पूरी तरह से, आज पूरी तरह से चल, पूरी तरह से चल, चल राइट नाउ, चल चल चल। माइक करो, माइक करो, चल 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 छोड़, चल छोड़ 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 छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं। चल चल इधर देख, खड़ा करो इसे, खड़ा करो, कुछ नहीं है, खड़ा करो इसे, खड़ा करो, ये ऐसे ही करती है। चलो चलो इधर देख सामने, चल देख 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 देख, चल क्यों पकड़ा इसे, हाँ बोल 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 बोल, कि नाम है तेरा, इधे कोल रहना है, क्यों रहना है, कोल क्यों नहीं जाना तू, मैं अपने दिन अपने कोल लेके जाना। चल चल देख, ओए तू कुछ नहीं, चल जिथे तेरी जगह है, चल चल जिथे तेरी जगह है, चल सीधा करो इसे, सीधा करो, चलो शैतान देख, चल बोल की नाम है की तरह, बोल 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 बोल, जल्दी बोल, बोल की नाम है तेरा, जसबीर है, जसबीर, कौन जसबीर, तू कुछ भी नाम लेना है बोलो, हाँ कुछ नहीं है, ये जानता है, मैंने देख इधर देख, अखा गोल, पता है मेरा, पता है, जानता है ना मैंने, तू की सोचता कि मैं जसबीर नाम लेकर की बनाएगा सनम, जानता है ना, चल तू कोई जसबीर नहीं है, चल 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 उखड़, चल चलो शैतान, मैं जानता हूं तू कौन है, कोई जसबीर नहीं है, तू गंदी दुष्ट आत्मा है, चल छोड़ चल छोड़ चल छोड़ चल छोड़ 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 छोड़, चल तू कोई जसबीर नहीं है, मैं जानता हूं तुझे तू कौन है, चल तू कोई जसबीर नहीं है, तू गंदी दुष्ट आत्मा है, बस बोल, चल चल यीशु के नाम से, मैं खुदा का दास होने के नाते इस बच्ची के जीवन से तुझे उखाड़ता हूं, चल उखड़ राइट नाउ, चल छोड़ सीधा करो इसे, सीधा करो, चल उखड़ो शैतान, चलो चल आज, चल पूरी तरह से उखड़ इसके जीवन से, मैं तुझे आदेश करता हूं कि दोबारा इसकी बॉडी में कभी प्रवेश नहीं करना, चल चल राइट नाउ, चल उखड़ उखड़ उखड़, चल आउट फ्री फ्री, द नेम ऑफ जीसस बी हील, उठाओ, धन्यवाद परमेश्वर, विश्वास करता हूं कि खुदावन इस शैतान की शक्ति को इसकी बच्ची की बॉडी से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, इसकी सोचों से, इसके सपनों से, आज से फ्री करता हूं, आजाद करता हूं, पूरी तरह से खुदावन तेरा अभिषेक, तेरा मसा इसकी बॉडी में देता हूं राइट नाउ, फ्री फ्री फ्री, उठाओ 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 उठाओ, देख इधर देख सामने, देख तू अच्छी हो चुकी है, बोल अच्छी हो चुकी है, क्या नाम है तेरा, मिसाल है, मिसाल मिसाल पढ़ती है, हाँ मीटिंग होने के खत्म के बाद तू मुझे मिलकर जाना है, ठीक है, ओके लाओ उसे भी, और सुनो जिस दिन से इसके ऊपर ये लहन
प्रार्थना हुई और उसके उस दिन के बाद दोबारा ये अटैक कभी नहीं हुआ। हाँ, और परमेश्वर ने क्या कर दिया उस दिन के बाद, जो 3 साल की ये दुष्ट आत्मा इसके जीवन में अटैक करती थी, हा? जिसके कारण ये बहुत से तांत्रिक बाबों के पास भी गया गए और 20,000 भी इन्होंने दिया, पर फिर भी उस चीज से छुटकारा नहीं मिला। हा? और आज इनसे पूछो कि यहां से छुटकारा पाने के लिए कितने 1,000 रुपए दिए, कितने दिए? कोई पैसा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? और आज ये बच्ची पूरी तरह से क्या है, इस दुष्ट आत्मा से क्या है, आजाद है। हा? अभी खुश हो? हाँ जी। फैमिली वाले खुश हैं सब? हाँ जी। इसलिए हम जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि महान परमेश्वर है, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आता है वो उसकी जिंदगी को आबाद करता है। हाँ? आमीन।